हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये एक रिएक्शन वीडियो होने वाली है। रिएक्शन वीडियो किसके ऊपर होने वाली? स्मार्ट एंड फिट नाम का एक पाकिस्तान का यूट्यूब का चैनल है, उनके ऊपर और उनकी कंट्रोवर्सी चल रही है इंडियन हल्क बादल के साथ। उनके ऊपर मैं अपने रिएक्शन देने वाला हूँ। मैं दोनों की साइड नहीं लेने वाला हूँ, दोनों को नहीं जानता हूँ। तो वीडियो के अंदर हो सकता है गालियां आपको सुनने को मिल जाए, क्योंकि ऐसी वीडियो में मैं अपनी जुबान को कंट्रोल में नहीं रख पाता हूँ, मेरे मुंह से गालियां निकल जाती है। तो हो सकता है आसपास अगर आपके हेडफोन वगैरह रखे हुए तो आप ले सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, ज्यादातर लोग क्या अपनी फैमिली के साथ ही वीडियो देख लेते हैं, तो मुंह से गालियां मेरे निकल जाएगी तो आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हेडफोन है तो आप हेडफोन लगा सकते हैं। तो पहले बात होने वाली है स्मार्ट एंड फिट यूट्यूबर के ऊपर, उसके बाद हम बादल के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, पता क्या था कि स्मार्ट एंड फिट नाम के ये जो यूट्यूब का चैनल है, पहले ये वीडियो डालते थे कि हमारे सेलिब्रिटी लोग हैं वो स्टीरोइड लेते हैं और आपको नहीं पता, तो उनके ऊपर वीडियोज रहती थी इनके पहले सारे की। लेकिन अब वहां से हटके ये वीडियो डालने लग गए हैं अपने यूट्यूबर्स के ऊपर। फिट माइंड ने स्टीरोइड नहीं लिए, साकेत ने स्टीरोइड नहीं लिए, ये पूरी अपनी 30 मिनट की डॉक्यूमेंट्री लोगों को दिखाने लग रहे हैं। दूसरी चीज ये है, ये स्टीरोइड नहीं लेते हैं, इनकी बॉडी नहीं है, ये फिटनेस फ्रीक नहीं है, लेकिन ये अपनी पूरी 30 मिनट की डॉक्यूमेंट्री देते हैं कि ये बंदे ने स्टीरोइड लिए या नहीं लिए। इनको पूरी नॉलेज है, कहां से निकालते हैं, रिसर्च करते हैं। अपनी रिसर्च से ये बताते हैं लोगों को इसने स्टीरोइड नहीं लिए, इसके जेनेटिक्स ऐसे हैं, इसके जेनेटिक्स वैसे हैं। तो भाई इनने कह दिया कि साकेत ने स्टीरोइड नहीं लिए, इन्होंने फिट माइंड ने स्टीरोइड नहीं है, ये इन्होंने अपनी वीडियो में बोल दिया। मान के चलो आने वाले टाइम में साकेत के बाइसेप 15 इंच से हटके 18 इंच के हो जाए थोड़े आने वाले टाइम के अंदर, ठीक है, और मान लो फिट माइंड वाला बंदा है वो 9-10% बॉडी फैट के आसपास पहुंच जाए, भाई साहब तुम अपनी वीडियो कहां डिलीट करोगे? तुम छुपते दिखोगे, तुम दिखोगे भी ना भाई। इतनी चीजें तुमने बोल दी कि दे आर नेचुरल। आने वाले टाइम में मान लो जिम के अंदर इन दोनों में से कोई भी कुछ गोली खाता हुआ दिख गया, कहीं कोई दिख गया सुमे लगाता हुआ, भाई पब्लिक माफ नहीं करेगी। क्योंकि पब्लिक क्या करती है, वो देखती है अरे 250 kg का ये डेडलिफ्ट मार रहा है नेचुरली, भाई मैं भी मार सकता हूँ नेचुरली। वो कॉपी करती है, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट चार्ट बगाएगी, जो वो डाइट ले रहे सेम वही डाइट लेगी, उनका पुश पुल लेग सब कॉपी कर लेगी। पब्लिक ऐसी ही है, यही करेंगे लोग, उनको कॉपी कर लेंगे सारी चीज। उससे क्या होगा, वो उठा लेंगे 40 के, भाई वो भी मार रहा है साकेत, मैं भी मार सकता हूं, भाई उनका मांस फट जाएगा। वो 250 kg का डेडलिफ्ट मार लेगा, भाई वो सिंगा मारता है, बोलता है मैं मारता हूं नेचुरली, उसकी टूट जाएगी कमर बंदे की, और उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? तुम रिस्पॉन्सिबल होगे, क्योंकि तुमने वीडियो में बोला है इन दोनों ने स्टीरोइड नहीं लिए हैं और ये सारी चीजें नेचुरली करते हैं। आने वाले टाइम में तुम लेके चलो, मान लो सिक पैक ऐप उसके सिंगा के निकल गए, उसका बॉडी फैट 8-9 के आसपास आ गया, वो कंपटीशन खेलने लग गया, तुम कहां चुकोगे? तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी, पब्लिक माफ नहीं करेगी, जनता 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 बिल्कुल माफ नहीं करेगी। भाई छुपने की जगह नहीं मिलेगी, पहले बता रहा हूं, तुमने डॉक्यूमेंट्री तो दे दी कि ये स्टीरोइड यूज नहीं करते, तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलने वाली। पाकिस्तान में लोग यहाँ के ऐसे हैं भाई, गाड़ी भर भर आ लेंगे तुम्हें ढूंढने के लिए वहां के ना माड़े या दिमाग ता गरम से फरोम हरियाणा हरियाणवी धर्म से बोडे नीचे ले जा जे कोई आटा बोल जा ताप लांगे जुत्ती तवा मन होने वाले नहीं है लोग, क्योंकि अरे भाई अपना सब कुछ दे देते लोग नेचुरली, खाते रहते हैं जिम में अपने पूरा मांस फाड़ लेते हैं सोच सोच के। हो यार तुम रिस्पॉन्सिबल रहोगे उस चीज के, आज भी बोल रहा हूं, या तो वीडियो को मार दो तुम अभी डिलीट, या तो तुम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। आने वाले टाइम में साकेत और सिंगा अपनी पूरी जिंदगी में स्टीरोइड ले ना ले, गलती से अगर उन्हें स्टीरोइड ले लिए ना भाई साहब तुम पिटोगे, तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी, तुम उनकी पूरी गारंटी लो लाइफ टाइम की कि वो कभी भी स्टीरोइड नहीं लेंगे। तुम लिख के दो जब भी तुम वीडियो डालो कि दीज टू आर नेचुरल, जनता को बेवकूफ मत बनाओ, बाल फाड़ देगी तुम्हारे। अगर आने वाले टाइम में जनता को पता लग गया ना कि ये दोनों स्टीरोइड ले रहे हैं और तुमने झूठ बोला है, तुम्हें ढूंढ ढूंढ के मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें याद रख लेना इस चीज का। अब
बात करते हैं ये वाली जो भी इनकी चल रहा है सीन, इन्होंने बोल दिया बादल यू आर नॉट, मतलब इतनी नॉलेज वॉलेज नहीं है तुम्हारी, यू आर नॉट फिट, तुम अपने ये टेस्ट दिखाओ, लैब टेस्ट दिखाओ। भाई हम दिखाते हैं लैब टेस्ट अपने, और मैं साफ दिखाने वाला हूँ क्या क्या मैं ले रहा हूँ, क्या क्या मैं नहीं ले रहा हूँ। और लैब टेस्ट भी अभी के हैं, ये नहीं उठा लिए एक साल पहले के मैंने ये उठा लिए वो उठा लिए। भाई जो बॉडी बिल्डर होता है ना, एक एक चीज, एक एक चीनी का दाना, एक एक नमक का दाना भैंचो सोच के खाता है। उसको पता होता है इस दाने को खाने से उसके शरीर में जाके क्या होने वाला है। एक एक रोटी के टुकड़े की कैलोरी उसको पता होती है, हर चीज का पता होता है। अगर वो पेन किलर भी ले रहा है वो उसके लीवर में जाके कहां इफेक्ट करने वाली है। और जिस टाइम पे तो ये साइकिल लेते हैं इतने सीरियस रहते हैं हर चीज के लिए, पानी भी सोच सोच के पीते हैं, इतना पानी पीना है इतना पानी नहीं पीना है। तुम लेते नहीं हो इसलिए तुम्हें नॉलेज नहीं है, तुम नहीं जानते हो। तुमने मुंह खोल के तो बोल दिया कि तुम अपने लैब टेस्ट दिखा दो बादल, हाउ फिट आर यू। मैं अपने लैब टेस्ट दिखाता हूँ, मेरे को अराउंड 45 डेज हो गए साइकिल लेते हुए। अपने लैब टेस्ट में स्क्रीन के ऊपर साफ दिखाने वाला हूँ क्या मैं ले रहा हूँ, पहले वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं ले रहा हूँ टेस्टोस्टेरोन प्रोपिनेट, ये ले रहा हूँ मैं हफ्ते का 300 mg। उसके साथ में ले रहा हूँ ट्रेनबोलोन, ये भी मैं ले रहा हूँ हफ्ते का 300 mg। साथ में ले रहा हूँ स्टेनाजोल, ये मैं ले रहा हूँ हफ्ते का 400 mg। ठीक है, लो डोज नहीं है, बहुत अच्छी खासी डोज है। साथ में मैं 40 mg रोज का ले रहा हूँ एनावार, आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये साइकिल मेरी अभी चल रही है, अब लास्ट के 2 हफ्तों से मैंने साइकिल रोक दी है। रीजन क्या है वो वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। ये साइकिल मैं ले रहा हूँ, अब पहले मैं इनके साइड इफेक्ट बता देता हूँ। ये साइकिल मैं ले रहा हूँ तो मेरे लैब टेस्ट जो आएंगे उसके अंदर कहाँ कहाँ दिक्कत आने वाली है। सबसे पहले बात मारने वाले हैं टेस्टोस्टेरोन प्रोपिनेट की, बहुत नॉर्मल चीज है सबको पता। अगर मैं टेस्टोस्टेरोन बाहर से ले रहा हूँ मेरे टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई मिलने वाले, 1000 के आसपास मिलने वाले, 2000 भी मिल सकते हैं। ये हो गया इसके जो मेरे को लैब टेस्ट में दिखने वाले साइड इफेक्ट। दूसरी बात मारते हैं ट्रेनबोलोन एसीटेट की। अब ट्रेनबोल एसीटेट क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल व्हाइट ब्लड सेल इनका काउंट बहुत ज्यादा मार देता है, जिससे क्या होगा आपका साइज रुका रहता है, आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत 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 तगड़ी हो जाती है। तो अब डाइटिंग में भी हो ना तो आपके साइज को गिरने नहीं देगा, क्योंकि खून आपका बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये काम होता है ट्रेनबोलोन का। साथ में क्या करता है, लीवर के लिए बहुत हार्मफुल होता है, किडनी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। बात करने वाले स्टेनाजोल की, स्टेनाजोल क्या करता है, स्टेनाजोल के साइड इफेक्ट ये आते हैं, आपके HDL लेवल को लो कर देगा, ये बहुत लो कर देगा। कितना लो करेगा उसका किसी को आइडिया नहीं होता, वो लैब टेस्ट में ही पता लगता है कि आपका HDL किस लेवल तक लो चला गया। जब आपका 15 के आसपास आ जाता है आपको साइकिल रोकनी पड़ती है, उससे नीचे आप जाएंगे तो आपके चांसेस रहते हैं यू माइट गेट ए हार्ट अटैक। तो इसीलिए है कि 7-7, 8-8 महीने साइकिल नहीं ले पाते, बीच में रोकनी पड़ती। रीजन भी आपको अपने सारी चीजें लैब टेस्ट में देख के रखनी पड़ती है। ये हो गए इन सब चीजों के साइड इफेक्ट। मैं अब अपनी ब्लड रिपोर्ट स्क्रीन पे दिखाने वाला हूं। सबसे पहले बात मारने वाले हैं लीवर की, बात करते हैं पहले, क्योंकि उन भाई साहब ने कहा था कि आपने लीवर दिखाओ, LFT दिखाओ। मैं अपने लीवर की रिपोर्ट दिखाता हूं स्क्रीन पे आपको, तो जूम मार के दिखा रहा हूं मैं। देखो वहां पे लिख रहा हुआ SGOT, ये आपके लीवर के एंजाइम्स होते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा बाहर से कुछ हैवी चीज ले रहे हैं तो ये आपके एलिवेट हो जाते हैं। इनकी रीडिंग अराउंड 100-150 के आसपास मिलती है अगर आपका लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो। तो मेरी रीडिंग 5-34 इसकी रेंज होती है, 33 मेरी रीडिंग है, बहुत ही अच्छी लीवर की रीडिंग्स आई हुई है मेरी। उसके बाद नीचे आते हैं SGPT, ये भी आपके लीवर के एंजाइम होते हैं। जो आप स्टीरॉयड लेते हैं या बाहर की ड्रिंक वगैरह ले रहे हैं उससे क्या होगा, आपके ये एंजाइम में काफ़ी एलिवेट हो जाते हैं, जो कि मेरे बिल्कुल रेंज के अंदर है। ये 22 आए हुए हैं, 0-55 के अंदर आए हुए हैं। तो मेरे लीवर की प्रोफाइल बहुत ही अच्छी आई हुई है, किसी भी टाइप का मेरे लीवर में इफेक्ट नहीं आया इन स्टीरोइड के लेने से। व्हाई? बिकॉज माय डाइट इज फकिंग गुड। जिस टाइम हम डाइट ले रहे हैं एक एक चीज को सोच के लेते हैं, क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। तुम लेते हो नॉर्मल लोग जो भी खा लिया बाहर का आराम जंक पंख, हमें जंक फूड खाए हुए 8-8 महीने हो जाते हैं भाई, हम मुंह के नहीं लगाते उन चीजों को। दूसरी बात करते हैं किडनी की, रिपोर्ट दिखाता हूँ आपको। देखो सबसे लास्ट में आएंगे आप, क्या होता है स्टीरॉयड लेते हैं तो आपके यूरिक एसिड के लेवल होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा रीडिंग में फ्लक्चुएशन आती है, वो आपके एलिवेट हो जाते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा आपकी किडनी में दिक्कत आती है।
यूरिक एसिड मेरा 5.0 है, बिल्कुल रेंज के अंदर है, 3.5 से 7.2 के अंदर होना चाहिए, बिल्कुल हेल्दी रेंज मेरी किडनी की आई हुई है। इन स्टीरॉयड को लेने से मेरी किडनी के अंदर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं आया है। अब चलते हैं ब्लड वर्क के ऊपर। ब्लड वर्क के अंदर आपको दिखाता हूं मैं, मेरे ब्लड लेवल जो है आप देखेंगे, रेड ब्लड सेल काउंट और व्हाइट ब्लड सेल काउंट, सारी ये रेड ब्लड की जितनी भी रीडिंग आपको दिख रही होगी, ये एलिवेटेड दिखा रही है। क्यों एलिवेटेड दिखा रही है? ये रीजन इसी का है क्योंकि मैंने ट्रेनबोलो एसीटेट लिया हुआ है। उससे क्या होगा, मेरे ब्लड वर्क के अंदर आप देखेंगे तो रेड ब्लड और व्हाइट ब्लड सेल की काउंट ज्यादा हो जाती है, जो कि बिल्कुल ज्यादा हुई हुई है। ये मैं स्टीरॉयड लेना छोड़ूंगा तो इससे थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये हो गए जो थोड़े से साइड इफेक्ट आपको देखेंगे मेरे ब्लड वर्क के अंदर। लास्ट में आ जाते हैं टेस्टोस्टेरोन लेवल पे। टेस्टोस्टेरोन लेवल मेरा है, स्क्रीन पे दिखाता हूँ, 1000 के ऊपर मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका पीक पे ही रहता है जब आप सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन बाहर से ले रहे हैं। लिपिड प्रोफाइल अपनी स्क्रीन पे दिखाता हूँ मैं अपनी, देखना कोलेस्ट्रॉल जो है मेरा वो बिल्कुल हेल्दी रेंज के अंदर है, 130 आया हुआ है, ये बिल्कुल हेल्दी रेंज है। आपका 200 से नीचे होना चाहिए तो बिल्कुल हेल्दी रहता है। कोलेस्ट्रॉल मेरा बहुत ही अच्छी रेंज के रहा। ट्राइग्लिसराइड लेवल जो कि फैट सेल होते हैं आपके, वो आपके 150 के नीचे रहने चाहिए, मेरे 108 है, बिल्कुल हेल्दी रेंज के अंदर है। जहां दिक्कत आई है वो आई हुई है HDL के अंदर, जो कि 29 आए हुए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने विंस्टोल ले रहा हूँ। विंस्टोल का काम यही है, आपके HDL लेवल को लो करता है। अब ये जब तक 15 के आसपास नहीं रहेगा, जब तक आप अपनी साइकिल को ले सकते हैं, अगर ये 15 से भी नीचे जाता है तो आपको साइकिल रोकनी पड़ती है, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो ये मेरी लिपिड प्रोफाइल होगी, बिल्कुल क्लियर है, किसी भी टाइप का कोई कोलेस्ट्रॉल का इशू मेरे अंदर नहीं है। टेस्टोस्टेरोन लेवल मेरे ज्यादा आए हुए हैं क्योंकि मैं बाहर से टेस्टोस्टेरोन ले रहा हूँ। किसी भी टाइप का ब्लड वर्क के अंदर मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं आई हुई है। रीजन बीइंग आई एम टेकिंग माई डाइट वेरी सीरियसली। जिस टाइम पे हम स्टीरोइड लेते हैं भाई, अपनी डाइट को बिल्कुल देख के चलते हैं। तुम बैल बुद्धि, तुम्हें तुम्हारा दिमाग पता नहीं कहाँ है, तुम यूज स्टीरोइड करते नहीं। हाउ द फक कैन यू जज कि मतलब ये बंदा स्टीरोइड ले रहा है तो उसका लीवर गया, किडनी गई। हाउ कैन यू जज? हैव यू टेकन इट? हैव यू यूज इट? नहीं यार, यूज कभी किया नहीं, लिया कभी नहीं, बस अपनी जजमेंट थोपनी है भाई। तूने लिया, यू आर अनफिट भाई, तेरा लीवर गया भाई, तेरी किडनी गई। हमारे लीवर किडनी कभी नहीं जाते। तुम साढ़े दारू पीते हो, तुम बाहर के चिल्ली पोटैटो खाते हो, तुम्हारी रीडिंग हमसे बहुत बुरी आएगी। तुम बैठ के खाते रहो बिरयानी मसाला डाल डाल के, तुम अपनी रीडिंग देखना करा के, क्या तुम्हारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल आ रहे हैं भाई साहब। बॉडी बिल्डर एक एक चीज सोच के खाता है, खाना पानी में उबाल के खाता है। हमारे लीवर किडनी बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं। तो कभी भी किसी बॉडी बिल्डर के ऊपर उंगली मत उठाना कि तू स्टीरोइड ले रहा है तो तेरे लीवर किडनी गए, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ये चीज याद रखना, डाइट इज द की। डाइट तुम अच्छी रखते हो, स्टीरोइड भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते अंदर जाके, अगर तुम्हारी डाइट प्रॉपर है तो। सो यही बहस चल रही थी कि ब्लड वर्क दिखाओ अपना। उसी चीज से मेरे को आया गुस्सा कि यार ये क्या मतलब है कि अगर वो स्टीरोइड ले रहा तो बिल्कुल अनफिट अंदर से, उसका लीवर गया, किडनी गई, यूआर ये वो पता ना क्या करो, समझ नहीं आया मेरे को। ये कोई मतलब है क्या भाई? स्टीरोइड ले रहे तो किडनी लीवर गए तुम्हारे? अपनी नॉलेज को थोड़ी वाइड करो। वाइड तो क्या करोगे तुम, 2-3 सुएं ठुकवा लो और फिर चीजों को पढ़ो। 5-6 साल तुम स्टीरोइड यूज करो, अपने लीवर के चेक करो, सारी चीजें क्या क्या चीजें आपको मिल रही है, प्रैक्टिकल नॉलेज लो। लोगों की वो इंटरनेट से निकाल के लोगे ना, घंटा लोड़ा, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। प्रैक्टिकल नॉलेज ही मस्ट होती है। अपने आप लोगे साइड इफेक्ट जो अपने आ रहे हैं आपके अंदर, उसको देख के तो आप बोल सकते हो। तुमने लिए है नहीं साइड इफेक्ट, तुम जानते नहीं। किसी को भी तुम नेचुरल बोल दे तो ये नेचुरल है, किसी को भी बोल दे तो ये स्टीरोइड ले रहा है, अगर ये लीन नहीं हुआ है तो ये स्टीरोइड नहीं ले रहा है। ही इज अराउंड 15-16-17 बॉडी फैट ऑल ईयर राउंड। अगर वो 8% में चला गया फिर क्या करेगा तू? फिर क्या बोलेगा? ओहो इसके जेनेटिक्स थोड़े ना चेंज हो गए हैं, इसके जेनेटिक्स पहले अलग थे अब इसके जेनेटिक्स चेंज हो गए हैं। फिर तो बोलेगा साकेत इज एक्टोमोर्फ। ये मान लो उसने 18 इंच के डोले बना लिए, फिर वो एक्टोमोर्फ कहां जाएगा? है तो किसी को भी ऐसे जज नहीं कर सकते ना, वो स्टीरोइड ले रहा है या नहीं ले। दूसरा आप ये जज नहीं कर सकते उसने पहले लिए या नहीं लिए, आगे वो लेगा या नहीं लेगा। एक स्टेटमेंट वीडियो देनी बहुत बड़ी हो सकती है वो स्टेटमेंट तुम्हारी, बिकॉज लोग उनको फॉलो करते हैं, उनको देखते हैं। इस चीज का मिसयूज तो नहीं करना चाहिए ना,
कि तुम फेक नॉलेज दे दो और वो बंदे मान ले कि नेचुरली ये सिक्स पैक ऐप और ये सारी चीज आ सकती है, नेचुरली आप 250 kg की वो डेडलिफ्ट मार सकते हैं, 40-40 के आप डंबल मार सकते हैं नेचुरली। पीपल मतलब फॉलो करती है जनता की सोच के, जवाब दिया करो लोगों को। तो ये चीजें तुम्हारे ऊपर बहुत भारी हो सकती है आने वाले टाइम के अंदर, अभी तो नहीं होएगी, आने वाले टाइम में जब सिंगा के सिक्स पैक दिखेंगे और लोअर जाएगा उनका बॉडी फैट परसेंटेज और उसके डोले साकेत के निकलेंगे 18-17 इंच के, फिर तुम कहाँ जाओगे भाई, फिर तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं मिले, फिर तुम्हें मेरी बात याद आएगी कि वो बंदा सही कह रहा था, वीडियो डिलीट कर दे। तो अभी भी टाइम है, वीडियो को डिलीट मार दो, या तो तुम लाइफ टाइम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि वो लाइफ टाइम स्टीरॉयड नहीं लेंगे, बिकॉज वो स्टेटमेंट तुम्हारी लोगों के ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है, ये चीज ध्यान में रखना। दूसरी चीज ये भाई, अपने यहाँ के लोग सारे जाट लोग हरियाणा के हैं ज्यादातर, पूरा मतलब जो आपका है ना इंडिया, जाट वाट और ये हीरवीर इतने भरे हुए हैं ना, और सबका जो दिमाग है बिल्कुल ऐसे रहता है, अगर किसी के भी दिमाग में तुम्हारी बात गई खटक, भाई साहब गाड़ी भर भर के फॉर्चूनर और थार भर भर के तुम्हारी लेने आ लेंगे पाकिस्तान तक। याद रखना, लोग चुप बैठने वालों में से नहीं है, हल्के में मत लेना। हरियाणा के लोग भाई साहब डरते ना किसी से भी, याद रखना ये चीज, तुम छुपते दिखोगे पाकिस्तान के अंदर। के ना माड़े या दिमाग ता गरम से फरोम हरियाणा हरियाणा वी धर्म से बोडे नि चले जा जे कोई आटा बोल जा ताप लांगे जुत्ती तवा मन में भरम से फोन दी सपोर्ट नाम फुल ओन टोप तना तार दांगे दरी की जू बीच मर ताने ते तार दांगे दरी की जू बीच मर ताने यार हरियाणा कर यार हरियाणा ते यहां तक मतलब बात ना पहुंचे अच्छा रहेगा, क्योंकि पागल हो जाते हैं लोग यहाँ के। तुम फेक चीजें देखो तो किसी ने देख लिया साकेत या पिटमाइड को इंजेक्शन या सुए या एनावार या कुछ और लेते हुए, भाई साहब सीन बहुत गंदा हो जाएगा, नहीं बच पाओगे। तो अभी भी टाइम है, थोड़ा सोच के वीडियो डालो, ये स्टीरोइड की ये सीरीज वीरीज तुम्हारी तुम सेलिब्रिटी तक ही रखो तो अच्छा है, क्योंकि वो लोग आने वाले हैं नहीं तुम्हारी बजाने के लिए, लेकिन ये हरियाणा के जाट वाट लोग जरूर तुम्हारी बजा देंगे किसी दिन। तो यही था वीडियो के अंदर, और भाई देखो मैंने साइड नहीं ली है, पहले बोल रहा हूँ मैंने अपने व्यू रखे हैं इसके अंदर। और रही बात देखो वीडियो को लाइक देने की डिसलाइक देने की, उसके लिए तो ये वीडियो मैंने नहीं बनाई है। अगर आपके पाकिस्तान के चमचे लोग मेरी वीडियो डिसलाइक करते हैं, भेड़चोद मेरे को लोड़ा फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तानियों से, तुम सालों जितना मन करे मेरी वीडियो डिसलाइक कर दो, मेरी इंडिया की आवाम मेरे साथ है, उनके लिए ये वीडियो बनाई है मैंने, आपके पाकिस्तानी फैनों के लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखना। तो इट्स योर फ्रेंड मेरा साइनिंग ऑफ, टेक केयर एंड एंजॉय टिल नेक्स्ट वीडियो।